स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप सो आर फाइन. आई एम गीता फ्रॉम पुरुमूर्ति स्कूल कामी रोड सोनीपत. आज हम आपका कक्षा दूसरी का हिंदी व्याकरण का बिल पाठ ग्यारहवा करेंगे. कक्षा दूसरी का हिंदी व्याकरण का पाठ ग्यारहवा करेंगे. पाठ का नाम है विलोम शब्द. पाठ का नाम है विलोम शब्द, जिन्हें एंटोनियम्स बोलते हैं, यानी कि जो अपोजिट वर्ड होते हैं आपके. क्या होते हैं? जो अपोजिट वर्ड. अब यहाँ पे देखते हैं. टेक आउट वन पेंसिल, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड. सुबह होने पर सूरज पूर्व दिशा में उगता है. जितने भी हाईलाइटेड रेड वर्ड है उनका आप अंडरलाइन करो. सुबह होने पर सूरज कहाँ से निकलता है? सबको पता है सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है. शाम होने पर वह कहाँ छिप जाता है? पश्चिम में वह दिशा में वह डूबता है. तो पूर्व और पश्चिम डिफरेंट है ना, एक दूसरे के अलग है, विपरीत है. तो पूर्व पश्चिम, तुमने देखा कि सुबह और शाम विपरीत समय के नाम. इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम विपरीत दिशाओं का बोध कराते. सुबह और शाम अलग अलग है ना, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के. ऐसे ही पूर्व और पश्चिम क्या है? अलग अलग डायरेक्शन है. ऐसे ही कई शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो या उल्टे हो. ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अर्थ क्या हो? एक दूसरे के विपरीत और उल्टे हो. उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं विलोम शब्द. जिन शब्दों का अर्थ उल्टा हो, बिल्कुल ही उल्टा, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द. उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द. नीचे दिए गए विलोम शब्दों को याद करो. अंधेरा, उजाला, यानी कि अंधेरा है एक तो, और एक क्या है? उजाला. अंदर, बाहर. अच्छा, बुरा. अपना, प्रायः. अमीर, गरीब. असली, नकली. आकाश, पाताल. आज, कल. आना, जाना. आशा, निराशा. उठना, बैठना. उधार, नगद. ऊपर, नीचे. कठोर, कोमल. जैसे ही आपके इंग्लिश में क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड होते हैं ना, अप डाउन, हैप्पी, सैड, इन आउट होते हैं ना आपके इंग्लिश में भी अपोजिट वर्ड. वैसे ही हिंदी में सेम विलोम शब्द हैं. कि वैसे हिंदी में क्या है? सेम विलोम शब्द. ब्यूटीफुल, अगली, इस टाइप के होते हैं ना इंग्लिश में. तो ऐसे ही जन्म, मृत्यु, यानी कि एक तो जन्म और एक मृत्यु, एक झूठ और एक सच, पाप, पुण्य, प्रसन्न, उदास, महंगा, सस्ता, मित्र, शत्रु, मोटा, पतला, राजा, रंक, लाभ, हानि, विष, अमृत, वीर, कायर, सरल, कठिन, सुख, दुख, हंसना, रोना. ये सब आपके थे अपोजिट वर्ड, जिन्हें हम विलोम शब्द बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं. और दोनों ही जो वर्ड हैं यहाँ पे, शब्द हैं, उनका मीनिंग अलग अलग, उनका अर्थ अलग है. अब हंसना अलग है और रोना अलग है. हंसना का उल्टा क्या हो जाएगा? रोना. दुख का क्या हो जाएगा? सुख. ऐसे ही जो सरल है उसका कठिन हो जाएगा. वीर का क्या हो जाएगा? कायर. तो ये सब आपके हैं विलोम शब्द. क्या है आपके? विलोम शब्द. आओ विलोम शब्दों से बने कुछ वाक्य देखिए. मेरा छाता नया, तुम्हारा छाता पुराना है. आप जितने भी मैंने पहले बोला हाईलाइटेड रेड वर्ड है उनका आप अंडरलाइन करो. वो कह रहे कि मेरा छाता तो नया है और तुम्हारा छाता क्या है? पुराना. नया, पुराना. तो इसमें क्या है? नया और पुराना. सदा सच बोलो, कभी झूठ मत बोलो. कि सदा क्या बोलो? सच ही बोलो, झूठ कभी मत बोलो. सच और झूठ, सच और झूठ. नीता हंस रही है और रीता रो रही है. जो नीता है वो हंस रही है और रीता क्या कर रही है? रो रही है. तो हंसना और रोना, हंसना और रोना एक दूसरे के अपोजिट हुए ना. हैप्पी और सैड जिसे आप लोग बोलते हो, अलग हुए. चाय गर्म है, पानी ठंडा है. हॉट कोल्ड. चाय कैसी है? गर्म. और पानी कैसा है? ठंडा. तो एक दूसरे के विपरीत है ना, डिफरेंट है दोनों से, अलग है बिल्कुल. कि एक तो गर्म है और एक क्या है? ठंडा है. अब देखते हैं इसका अभ्यास. बोलने की बारी, मौखिक कौशल. बोल बोल कर पढ़ो और याद करो. पूर्व क्या होता है? ईस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है. पश्चिम क्या होता है? वेस्ट. ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, आपकी फोर डायरेक्शन होती ना. विपरीत यानी कि अपोजिट. दिशा मीन्स डायरेक्शन. विलोम शब्द एंटोनियम्स. विलोम शब्द क्या आपके? एंटोनियम्स. लिखने की बारी. इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो. अमीर का हम क्या लिखेंगे? गरीब. अमीर, गरीब, जिसे हम बोलते हैं रिच, पुअर. अच्छा, बुरा. अच्छा का क्या लिखेंगे? बुरा. विष, अमृत. विष का क्या लिखेंगे? अमृत. आना, जाना. पाप का, पुण्य. झूठ का क्या हो जाएगा? सच. झूठ का क्या हो जाएगा? सच. पाप का हो जाएगा पुण्य. विष का हो जाएगा अमृत. अब आपका इन वाक्यों में विलोम शब्द में से खाली स्थान भरो, यानी कि जो खाली स्थान है आपको विलोम शब्द वहां पे फिल करना है उसके अपोजिट. आज नकद ले लो, कल उधार लेना. आज और
कल, आज और कल क्या है, एक दूसरे के विपरीत है ना, अलग है ना, तो आज और कल क्या हो गया, आज आज नगद ले लो और कल उधार। मुझे क्या पता था कि अपना कौन अपना है और कौन पराया, अपना और पराया। अपना का अपोजिट क्या बनेगा, उसका विपरीत क्या बनेगा, पराया। अपना और पराया, पहले प्याज महंगा था और अब सस्ता हो गया, महंगा सस्ता, महंगा सस्ता, कि पहले तो प्याज महंगा था और अब प्याज कैसा हो गया, सस्ता हो गया। तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, अलग है ना। व्यापार में तो हानि और लाभ होता रहता, बिल्कुल सही बात है, जो बिजनेस होता है उसमें लाभ हानि तो होती रहती है, तो हानि के अपोजिट क्या हो जाएगा, लाभ, और लाभ का अपोजिट क्या हो जाएगा, हानि, हानि और लाभ। आज का काम कल पर मत डालो, जो आज काम करना उसे आज ही करो, उसे कल पर मत डालो, आज और कल, आज का काम कल, आज और कल तो एक दूसरे के डिफरेंट है। सोचने की बारी, खाली खाली खानों में छूटे वर्ण भरो जिससे विलोम शब्दों के जोड़े बन जाए। देखो ब यहाँ पे डैश था और र था, यहाँ पे अ अ और अंक की बिंदु, अंग और डैश और र, तो हमने क्या बनाया, बाहर और अंदर, हमने क्या बना दिया, बाहर और अंदर, यानी कि एक बार बाहर और एक बार अंदर, तो एक दूसरे के क्या है, ये डिफरेंस है, अलग है, डिफरेंट है। अब नी था और डैश था और शा था और यहाँ पे भी डैश था, तो हमने क्या लिया, निराशा और आशा, यानी कि किसी से आशा होना और फिर निराशा, आशा और निराशा क्या है, एक दूसरे के डिफरेंट है, अलग है, अपोजिट है। अब नकली और असली, यानी कि कोई चीज नकली और कोई चीज असली, तो एक दूसरे के अपोजिट है ना ये, तो असली और नकली, नकली और असली। ऐसे ही उठना बैठना, यानी कि उठ जाना और फिर बैठ जाना, उठना और बैठना। अपना और पराया, अपना और पराया। हंसना और रोना, हंसना और रोना क्या है, हंसना और रोना। तो ये सब आपके क्या है, अपोजिट वर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द, इनको हम एक बार और रीड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, बहुत इजी है, आपको आराम से ये लर्न हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अंधेरा उजाला, अंदर बाहर, अच्छा बुरा, अपना पराया, अमीर गरीब, असली नकली, आकाश पाताल, आज कल, आना जाना, आशा निराशा, उठना बैठना, उधार नगद, ऊपर नीचे, कठोर और कोमल, कठोर और कोमल। ऐसे ही जन्म मृत्यु, झूठ सच, झूठ का क्या है, सच, पाप पुण्य, प्रसन्न उदास, महंगा सस्ता, मित्र शत्रु, मोटा पतला, राजा रंक, लाभ हानि, विष अमृत, वीर कायर, सरल कठिन, सुख दुख, हंसना रोना। तो आपके ये सब क्या है, अपोजिट वर्ड है, क्या है ये, अपोजिट वर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द ही होते हैं कि जिस अर्थ का, जिस शब्द का अर्थ क्या हो, एक दूसरे से उल्टा हो, एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से उल्टा हो और एक दूसरे से क्या हो, अलग। अब पूरा पश्चिम दिशाएं हैं, वो एक दूसरे की अलग है, डिफरेंस है, तो डिफरेंट है, तो वो क्या है, अलग अलग है, तो वो विलोम शब्द आपका क्या है, वो विलोम शब्द। ऐसे ही आपका क्या था, यहाँ पे दिन और रात लगा लो आप, दिन और रात, दिन अलग है रात अलग है, दोनों अलग अलग है, अर्थ भी अलग अलग है, दिन अलग है और रात अलग है, तो दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग ही उनका क्या है, मीनिंग है। सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम, अंधेरा उजाला, नगद उधार, कठोर कोमल, सॉफ्ट और हार्ड बोलते, जिसे आप लोग न्यू ओल्ड, नया और पुराना, अप डाउन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, तो ये सब आपके क्या है, विलोम शब्द है। क्या है आपके, विलोम शब्द, मीठा खट्टा या मीठा कड़वा, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, सच झूठ, ठंडा गरम, हंसना रोना, आना जाना, खाना पीना, ये सब आपके थे विलोम शब्द। क्या थे ये आपके, विलोम शब्द। होप सो आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत इजी है, विलोम शब्द है आपके, जो इंग्लिश में आप लोग अपोजिट वर्ड करते हो, वही ये हिंदी में आपके विलोम शब्द है। एक दूसरे के विपरीत होना, किसी चीज का जो शब्द है उनका अर्थ उल्टा निकलना, एक दूसरे से अलग निकलना, वही आपके क्या है, विलोम शब्द है।
तो ये आपके विलोम शब्द है, होप्स आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।